हाय एवरीवन, आज मैं एक ऑडियो क्लिप लेके आया हूँ जो बेसिकली मेरी फ्रेंड के साथ फ्रॉड होने वाला था। शी गूगल्ड एयर इंडिया कोयम्बटूर कस्टमर केयर और सबसे ऊपर एक फ्रॉड का नंबर आया। मतलब जस्ट इमेजिन, उन्होंने पता नहीं क्या ऐसी हो गया। सो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए बिकॉज मैं आपको उस फ्रॉड का फ़ोन नंबर भी बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिए और ये ऑडियो क्लिप सुनिए कि वो कैसे ट्राई कर रहा था पैसे लेने का, और मैं एंड में बताऊंगा कि वो क्या कर सकता था अगर मेरी फ्रेंड उस फ्रॉड के जहाज में फंस जाती। तो सो जस्ट हियर दिस आउट। हेलो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉल किया था। वो जो पीएनआर नंबर देखिए ना, वो बोर्डिंग पास का डुप्लीकेट जो पूछ रही थी मैं। हाँ मैम बताइए। हाँ वो वेब रेफरेंस नंबर देना है कि आपको पीएनआर देना है? पीएनआर नंबर HW। ओके मैम, तो वो आपको तो मिल जाएगा मैडम। तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा मैडम, 20 rupees पे करना पड़ेगा मैम। 20 rupees? आप पहले पैसेंजर का नाम बोलिए जो आपने पीएनआर से ना। पीएनआर अभी चेक नहीं हुआ है, चेक नहीं हो पा रहा कि जो कस्टमर है वो कस्टमर का नाम बताइए, मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। नहीं नहीं, वो आप बताओ ना कस्टमर का नाम क्या। एयर इंडिया ऑफिस में हो ना? यस मैम, पर कस्टमर का नाम बताइए, किसके नाम से आपका ये पीएनआर नंबर मिला था, कौन सा कस्टमर का नंबर बोलिए तो आप एक बार नाम। अरे वही तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको एयर इंडिया ऑफिस में इससे पहले भी मैंने कॉल किया है। मैं अगर पीएनआर बता दूंगी ना आपको, तो आप चेक करके बता सकते हो ना अपने सिस्टम में। यस मैम, पर अभी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ मैडम। अब दोबारा पेमेंट कैसे होगा? एक्सक्यूज मी मैम, पहले आप नंबर बताइए, अभी चेकिंग नहीं हो रहा ना, इसलिए नाम बताइए मैडम। नाम? हाँ नाम पूरा बताइए ना मैडम। हाँ, उन्नीकृष्णन खान। ओके मैडम। शी इज प्लेइंग अलोंग। ठीक है मैम, वो मैं एक व्हाट्सएप आपको कर दूंगा, वो व्हाट्सएप आप कभी भी दिखा दीजिएगा तो आपको बोर्डिंग पास आपको नहीं मांगा जाएगा, न ही आपका लिया जाएगा। वो आपको एक व्हाट्सएप कर दूंगा, वो किसी को भी दिखा दीजिएगा तो आपको नहीं दिया जाएगा, बोर्डिंग पास आपको नहीं पूछेगा। ठीक है मैडम? ओके ओके ठीक है। उसके लिए मैडम आपको 10 rupees पेमेंट करना पड़ेगा मैडम। पहले से पेमेंट करवाया आपने? जी मैम, 20 rupees यानी 20 rupees पे कर रही है, पे करना है 20 rupees में। ठीक है, हाँ कर दूंगी। किससे पे करेंगे मैडम? मैं ना कैश पे करूंगी आपके ऑफिस में आके। सॉरी मैम, कैश आप होता तो मैं आपको कैश ही बोलता, पर कैश नहीं होगा आपका। अच्छा कैश नहीं होगा, पेटीएम करूँ? पेटीएम? पेटीएम नहीं, गूगल पे है, गूगल पे फोन पे वगैरह। हाँ हाँ गूगल पे है मेरे पास। हाँ मैम हो जाएगा। गूगल पे कौन सा बैंक से चला रहे? मेरा जी इंडियन बैंक ऑफ अमेरिका। आपका इंडिया का अकाउंट है कि बाहर का? बाहर का है। नहीं होगा, इंडिया का अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, और मुझे OTP बताना होगा ना आपको? नो नो, OTP आपको थोड़ी बताना होगा मैडम। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? मतलब आपका नाम क्या है? शालिनी शर्मा मैडम। अच्छा, आप एक बात जानते हो, मैं ना साइबर सिक्योरिटी से हूँ। क्या? साइबर सिक्योरिटी से हूँ। डर गया। और आपका लोकेशन ट्रेस हो चुका है, आप जल्दी पकड़े जाओगे। ठीक है मैडम। ठीक है, रखिए, अभी आ रहे हैं पुलिस। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मेरी जो फ्रेंड है शी लिव्स इन डाउन साउथ, तो कोयम्बटूर के एयर इंडिया कस्टमर केयर उसने गूगल किया बिकॉज उसको बोर्डिंग पास चाहिए था अपने हस्बैंड के लिए, बोर्डिंग पास के लिए उसको कुछ इंक्वायरी करनी थी ओवर द कॉल इन एयर इंडिया ऑफिस, और गूगल में सबसे ऊपर ये नंबर आया। जस्ट इमेजिन, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन से SEO कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सबसे ऊपर ये नंबर है, और जनरली व्हाट हैपेंस इज कि जब जो सबसे ऊपर नंबर आता है गूगल के सर्च पे या कुछ आता है तो हम उस पर रिलाय कर लेते हैं बिकॉज गूगल। सो शी कॉल्ड, बट उसकी लैंग्वेज से, एक कस्टमर एयर इंडिया कस्टमर केयर बैठा, उसकी लैंग्वेज से, उसके एक्सेंट से माई फ्रेंड गॉट टू नो कि एक फ्रॉड है। सो शी प्लेड अलॉन्ग। नाउ व्हाट दे डू इज कि इसने 10-20 rupees मांगे तो लोगों को लगता है 20 rupees की बात है, दे देते हैं 20 rupees में क्या जा रहा है, बट इट्स नॉट अबाउट 20 rupees। व्हाट दे डू इज कि जनरली क्या करते हैं, मोस्टली माई फ्रेंड डिडंट फॉल फॉर इट, बट मोस्टली व्हाट दे डू इज कि वो एक लिंक आपको भेजते हैं कि आप ये लिंक पे क्लिक करके पे कर दीजिए। तो अब लिंक पे क्लिक करके अगर अपनी डिटेल्स डालते हैं तो पूरा आपका बैंक अकाउंट वाइप कर देते हैं। तो दैट्स द थिंग,
10-20 रुपए लोगों को लगता है, 10-20 रुपए की बात है ना, ट्राई मार लेते हैं, 10-20 रुपए तो है, बट वो 10-20 रुपए नहीं होता, वो जितना आपका बैंक अकाउंट में पैसा होता है ना, वो सब खाली हो जाता है। तो 10-20 रुपए आपको ल्योर करने के लिए बोलते हैं। सो कभी भी ऐसा कुछ कस्टमर केयर का आप देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि गूगल सर्च में जो सबसे ऊपर है वो ही रियल कस्टमर केयर हो। एयर इंडिया या किसी और की वेबसाइट्स, ऑथेंटिक वेबसाइट्स आप प्लीज़ देखिए कि कौन सी वेबसाइट्स हैं। रैंडम किसी भी नंबर पे कॉल मत कीजिए। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो फ्रॉड नंबर ज़रूर बताएं। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इस बंदे का फ्रॉड का नंबर बताऊंगा, तो वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने ट्राई किया था कॉल तो वो नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो हो सकता है कि वो आगे अवेलेबल हो जाए। तो आप इस नंबर को प्लीज़ ब्लॉक कर दीजिए, या इस नंबर से कभी कॉल आए तो उसको मत एंटरटेन करिए, या इस नंबर पर कभी कॉल करके कुछ मत बात करिए, ये कस्टमर केयर नहीं है। तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, द नंबर इज 8420433564। सो दिस इज द नंबर, ये नंबर आप ब्लॉक कर दीजिए, ये एक फेक कस्टमर केयर है। आप इसको कॉल करेंगे तो कोई भी कस्टमर केयर बन जाएगा, ये एयर इंडिया भी बन जाएगा, इंडिगो भी बन जाएगा, ये इवन डोमिनोज भी बन जाएगा, या आपके घर के बगल वाली मिठाई वाला कस्टमर केयर भी बन जाएगा। सो डोंट रिलाई ऑन दीज कस्टमर केयर नंबर्स, ऑथेंटिक कस्टमर केयर नंबर्स पे ही फ़ोन करिए। और किसी भी लिंक को रैंडमली क्लिक मत करिए, किसी भी अननोन बंदे को UPI भी मत करिए, बिकॉज आजकल UPI के भी स्कैम बहुत हो रहे हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस। थैंक यू सो मच।